मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। बाला साहब की शिवसेना अब शिंदे गुट की हो गई है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज आदेश दिया है कि शिवसेना पार्टी का प्रतीक चिन्ह धनुष बाण एकनाथ शिंदे गुट का रहेगा। इस फैसले के बाद शिंदे गुट में काफ़ी खुशी की लहर देखने को मिली और ठाणे में शिंदे गुट के कार्यकर्ता हाथ में धनुष बाण लिए नजर आए। साथ ही एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर मुबारकबाद भी कार्यकर्ता देते हुए दिखाई दिए। हालांकि केंद्रीय चुनाव आयोग के इस फैसले से उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है और शिवसेना नाम और निशान धनुष बाण पर सीएम एकनाथ शिंदे का हक हो गया है। हालांकि शिंदे गुट को शिवसेना नाम और धनुष बाण मिलने के बाद खासदार श्रीकांत शिंदे ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। और हमें पहले से यकीन था हमें ही मिलेगी और आज जो है लोकशाही में जहाँ पर सब नियम जो है सब लॉज जो है वो हमारे बाजू से थे। सबसे ज्यादा मेजोरिटी हो एमएलएस की हमारे बाजू में, सबसे ज्यादा मेजोरिटी हो एमपीस की हमारे बाजू में, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, नेता हो, एक्स एमएलएस हो, नगर सेवक हो, जिला परिषद के सदस्य हो, जिला प्रमुख, सभी लोग हो, आज सभी लोग जो है बड़े पैमाने पर जो है आज शिंदे साहब के गए 6-7 महीने में जुड़े हुए थे और आज यहाँ पर जिन्होंने हिंदू को छोड़ा, जिन्होंने बाला साहब की विचारधारा को छोड़ा, उसको तोड़ मरोड़ कर 2019 में सिर्फ सत्ता की लालच में जो गठबंधन किया आज उसका ये परिणाम है। आज बाला साहब के विचारों का यहाँ पर विजय हुआ है, हिंदुत्व के विचारों का यहाँ पर विजय हुआ है और हमारे जैसे सभी कार्यकर्ता जो है, लाखों कार्यकर्ता जो शिवसेना के लिए हमेशा जो काम करते आ रहे हैं उन सभी का ये बहुत बड़ा विषय है। सर, आगे सवाल अनेक महीने से परेशान किया जाता था, उनको क्या जवाब देना चाहोगे? हम उनके वो क्या बोलते हैं उसके तरफ जो है हमने ध्यान दिया नहीं है। अगर आप देखोगे 6-7 महीनों में जो इस महाराष्ट्र की प्रगति हुई है, जो इस महाराष्ट्र का विकास हुआ है, अलग अलग योजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में यहाँ पर लाई, तो हमें थोड़ा भी वक्त नहीं है कि विरोधक क्या आलोचना कर रहे हैं और हमको उस पर ध्यान भी नहीं देना है विरोधक क्या आलोचना कर रहे हैं। हमें जो जनता ने यहाँ पर मौका दिया है उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग जो है जनता की भलाई के लिए हो, इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं वन से। सर, आखिरी सवाल, अनेक जिस महीने से सत्ता परिवर्तन के बाद लगातार आप राजनीति के दौरान आपके परिवार के ऊपर बहुत से विरोधी ने टिका टिप्पणी की, आज जब आपकी मांग से निर्णय लगा तो विरोधी मतलब किस तरीके से जवाब देने की कोशिश करेंगे? लगता है कि जनता जो है जवाब तो आने वाले इलेक्शन के समय पर जरूर देगी और जिन्होंने बाला साहब के विचारों के साथ खिलवाड़ की उसके साथ क्या हर्ष हुआ, ये जो ग्राम पंचायत निवृत्त हुए ना इलेक्शन हुए उसके अंदर 5वें नंबर पर जो है वो उभा था, पता नहीं वो भी नाम मिलता है कि नहीं, वो चले गए थे और लोगों ने जो है अपना निर्णय देना जो है वो शुरू कर दिया है और शिंदे साहब जहाँ जगह जहाँ थे वहाँ वहाँ शिंदे साहब को देखने के लिए, मिलने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए भीड़ जो है लाखों की संख्या पर जो है वो रिश्ते पे आते हैं। आप सभी लोग जानते हैं तो इससे आपको पता चल रहा है कि लोग किसके बाजू में है, कि लोगों को काम चाहिए, लोगों को रोजगार हो, ड्रामा इमोशंस, लोगों को मेरा काम कैसे होगा, मेरा काम कौन करेगा, इसके लिए लोग वोट करेंगे, लोग डेवलपमेंट के लिए वोट करेंगे। तो ये सरकार जो है 6-7 महीनों में सरकार ने किया है। नाम तो मिल गया है, धनुष भी मिल गया है, महानगर पालिका के इलेक्शन में किस तरह से करेंगे? और भारतीय जनता पार्टी जो है ताकत से लड़ेगी और ताकत से
डेवलपमेंट के एजेंडा पे वो सुनकर